हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत सीरियस बीमारी के बारे में जिसका नाम है कैंसर। तो कैंसर के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर हम जनरल बात करें तो WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल कैंसर के 10 मिलियन केसेज वर्ल्ड वाइड आते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में 10 मिलियन से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट हर वर्ष मिलते हैं। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही कम से कम हर साल 7,85,000 केसेस कैंसर के मिलते हैं, जो केसेस आते हैं। एंड 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। एंड अगर फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे जाएं तो 16 व्यक्ति में से, यानी फैमिली के 16 व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो स्टैटिक्स हैं ये WHO की रिपोर्ट के आधार पर है। एंड इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैंसर सबसे घातक बीमारी है, यानी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा डेंजरस बीमारी है जिसमें लोगों की जान भी चली जाती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैंसर होता क्या है। तो कैंसर का होना ये है कि जब भी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से जब बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं एंड वो एक ट्यूमर का रूप बना लेती हैं तो उसे कैंसर कहते हैं। ये बहुत जनरल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी कोशिकाओं की अनियंत्रित ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। अब ये होता कैसे है? तो हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। एंड कोशिकाओं का काम ये है कि कोशिकाएं अपने अकॉर्डिंगली बनती हैं एंड अपने अकॉर्डिंगली बनने के बाद अपने अकॉर्डिंगली विभाजित होती हैं जैसे जैसे उन्हें आवश्यकता होती है बॉडी के अकॉर्डिंगली। हमारी बॉडी में जैसे जैसे आवश्यकता होती है उसके हिसाब से कैंसर कोशिकाएं बनती हैं, यानी आपस में मल्टीप्लाई होकर बनती हैं। एंड बनने के बाद वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद खत्म होने के बाद फिर नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। ये एक बहुत रेगुलर साइकिल है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है और हमारी बॉडी का बॉडी में यही साइकिल फॉलो होती है। लेकिन कैंसर में होता ये है कि कैंसर वाले केस में होता ये है कि जो हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं हैं तो कोशिकाएं अपना जो मेन काम है वो मेन काम करना बंद कर देती हैं। अब वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में वो मेन काम करना बंद कर सकते हैं एंड हर ऑर्गन में आपको कोशिकाएं मिल जाएंगी। तो जो कोशिकाएं होती हैं जब वो अपना काम करना बंद कर देती हैं, तो जब वो काम करना बंद कर देती हैं तो उस केस में होता ये है कि जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाओं की ग्रोथ हो जाएगी एंड ग्रोथ होने के बाद कुछ टाइम बाद कोशिकाएं वो मर जाती हैं और मरने के बाद होता ये है कि कोशिकाएं अगेन बनना स्टार्ट हो जाती हैं जो अनियंत्रित तौर पर बनती हैं, यानी उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। एंड वो जो कंट्रोल नहीं होता तो होता ये है कि जो कोशिकाएं हैं जो मर गई हैं, जो डेड कोशिकाएं हैं, वो भी बॉडी में बनी रहती हैं एंड वो बॉडी में इकट्ठी होके एक गांठ का रूप ले लेती हैं। एंड जब वो गांठ का रूप ले लेती हैं तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी उसे हम कैंसर कहते हैं। तो ये कैंसर की बेसिक डेफिनेशन थी एंड ये कैंसर का बेसिक कारण था। बात करें कैंसर के क्या लक्षण होते हैं तो जनरल बेसिस पर है ये आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है कि आपको कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, बिकॉज कैंसर के जो सिम्टम होते हैं वो काफ़ी बारी लोगों को समझ ही नहीं आते। लेकिन फिर भी इसके कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं, अगर उस टाइप का आपको दिखते हैं सिम्टम तो आप डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर होता है अचानक से वेट कम होना। मान लीजिए आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके अकॉर्डिंगली आप एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी आप ये महसूस कर रहे हैं कि अचानक से आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो काफ़ी लोगों को स्टमक हो गया या फिर फेफड़ा हो गया, तो स्टमक और लंग्स के जो कैंसर होते हैं उस केसेस में अचानक से वेट गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इस टाइप का आपको लगे फील हो तो आप डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको कैंसर की स्टार्टिंग स्टेज हो। सेकेंड वन, अत्यधिक थकान रहना, यानी काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा भी काम कर लें तो उनको बहुत ज़्यादा थकान होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी कैंसर का एक बड़ा लक्षण हो सकता है। उसके अलावा आपको ये महसूस होना कि आपकी बॉडी में कहीं कोई गांठ बन गई है, काफ़ी फीमेल्स को ब्रेस्ट में ऐसा फील हो सकता है कि उनके गांठ बन गई है, या फिर आपको हाथ में या फिर पैर में ऑर्गन में कहीं भी आपको ऐसा फील होता है कि आपको गांठ बनी हुई है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर डिस्कशन कीजिए, हो सकता है कि वो गांठ कैंसर की ही हो। इसके अलावा आपका जो स्किन का रंग है, जो स्किन का नॉर्मल रंग होता है, अगर आप ये फील करें कि स्किन का रंग तुरंत चेंज हो रहा है और जो नॉर्मल स्किन है वो आपको नहीं दिख रही है, या फिर मान लीजिए आपके स्किन पर जो तिल हैं उन तिल का भी आप देखते हैं कि जो तिल और मस्से बने हुए हैं उन तिल और मस्से का भी जो रूप है, जो उनका जनरल टेक्स्चर होता है, कलर होता है, वो कलर अगर चेंज होता है वो भी आपको दिखता है, तो भी ये हो सकता है कि आपकी कैंसर की स्टार्टिंग स्टेज है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपको बिना किसी रीज़न के बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है हड्डियों में, तो ये भी हो सकता है कि कैंसर का एक बड़ा कारण बन सकता है, यानी ये भी कैंसर का एक लक्षण है। इसके अलावा
आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया में होता यह है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसमें बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, यानी जो बॉडी में आरबीसी होती है वो अचानक से गिर जाती है। तो अगर वो भी आपको दिख रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपको एक कैंसर के लक्षण हैं। यानी ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ऐसा आपको कुछ भी दिखता है, बिकॉज नॉर्मल बेसिस पर आपको समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी बिना किसी रीजन के ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आपको कैंसर हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि कैंसर का क्या इलाज है, तो सबसे पहले कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, यानी जनरल जो इलाज होता है, जनरल जो बीमारियां होती हैं उनके कंपैरिजन में कैंसर का इलाज काफी महंगा होता है। अब क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके पास इलाज के लिए, तो सबसे पहले तो आपके पास सर्जरी ऑप्शन होता है कि मान लीजिए आपको कहीं भी कोई गांठ बन गई है, उस गांठ को आप सर्जरी के द्वारा आप बाहर उसको निकाल देते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होता है सर्जरी। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के माध्यम से भी आप जो अननेसेसरी की जो गांठें बन गई हैं बॉडी में या जो सेल की ग्रोथ हो गई है आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है रेडिएशन थेरेपी। तो जो रेडिएशन होती हैं उन रेडिएशन के थ्रू आप कैंसर पर कंट्रोल कर सकते हैं एंड रेडिएशन थेरेपी आप ले सकते हैं। उसके अलावा फोर्थ नंबर पर होती है हार्मोन थेरेपी। तो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी की जो सेल की ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप हार्मोन थेरेपी का भी उपयोग कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर होता है इम्यूनो थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में आपको होता ये है कि आपकी जो इंटरनल का बॉडी का सिस्टम है, यानी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको स्ट्रांग करा जाता है। तो जब वो स्ट्रांग होगा तो आपको कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद मिलेगी। तो ये पांच तरीके से आप कैंसर से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहला होता है सर्जरी, सर्जरी के बाद होता है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बाद होता है रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के बाद होता है हार्मोन थेरेपी, और हार्मोन थेरेपी के बाद होता है इम्यूनोथेरेपी। तो ये पांच इसके अलग अलग रूप हैं, इन पांचों का आप यूज कर सकते हैं कैंसर से, और कैंसर से आप लड़ सकते हैं। तो ये बेसिक रिव्यू था कैंसर की बीमारी के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि और किस मेडिसिन का या किस डिसीज का रिव्यू आप चाहते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड मैं आपको अपने वीडियो में बीमारी के बारे में और उनके अलग अलग स्टेजेस के बारे में और उनसे कैसे लड़ा जा सकता है उनके बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगा कि कैंसर की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कितनी स्टेजेस का कैंसर होता है, एंड स्टेजेस के अलावा आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसको अगर आप कम करते हैं तो आपको कैंसर होने की संभावना कम हो जाते हैं। यानी कैंसर के ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जिनसे कैंसर होता है और उसकी क्या संभावनाएं होती हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया में कौन से बेस्ट हॉस्पिटल हैं जहां पर कैंसर का आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।